अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज का हमारा लेसन है दी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। आज हमने देखना है कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। बेसिकली दो किस्म के कंपोनेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं हार्डवेयर और दूसरे को कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं बारी बारी हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर जो है इट इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स, ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के वो हिस्से जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, यानी जिन्हें हम टच कर सकते हैं और उन्हें हम छू सकते हैं, उन पार्ट्स को हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। दूसरी चीज है सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। यानी सॉफ्टवेयर वो होता है, वो तमाम प्रोग्राम होते हैं जो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होते हैं, उन्हें हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जब वो रन होते हैं तो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब उनकी एग्जीक्यूशन होती है तो स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी एक हमारे पास सॉफ्टवेयर की किस्म है, एमएस ऑफिस भी सॉफ्टवेयर की एक किस्म है, 3D पेंट जो है वो भी एक और सॉफ्टवेयर की किस्म है। इन सबको हम थोड़ी सी डिटेल में अगले चैप्टर्स में देखेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इनका ओवरव्यू ही चलेगा। सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं हार्डवेयर को, और चूंकि ये उन हार्डवेयर्स को इनेबल कर देते हैं, उन्हें कंट्रोल भी रखते हैं, तो इस वजह से ये इस मुमकिन हो पाता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस पर रन हो सके। मिसाल के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ अगर ना हो तो आप कंप्यूटर से कोई मुफीद काम ले ही नहीं सकते, और अगर कोई और सॉफ्टवेयर भी हो, कोई और भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो ही आप कंप्यूटर जैसी कोई डिवाइस चला सकते हैं। जैसे आपके पास आपका सेलफोन है, उसमें भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्मार्टफोन में इंस्टॉल होता है, इसी तरह कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल है, इनको हम क्या देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसके अलावा भी ऑपरेट जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हो यूज़र कोई स्पेसिफिक किस्म का टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके ज़रिए आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, फोटोज ला सकते हैं और बहुत सारा काम उसमें कर सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक काम जो है आपके लिए परफॉर्म कर रहा है जो सॉफ्टवेयर, उसे हम कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मिसाल उसकी हमने दी हुई है एमएस वर्ड। कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स में जो है एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम देखेंगे डिटेल में, वो हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, और उसके अलावा हमारे पास है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके जरिए हम कोई डेटा जो है या इनपुट करते हैं सिस्टम में। आउटपुट डिवाइसेस जिसके जरिए कंप्यूटर के रिजल्ट्स हम देखते हैं, जैसा कि आपके पास स्क्रीन है, यानी कि मॉनिटर है, एक्स्ट्रा जो है ये सारी आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड माउस वगैरह जो होती हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ऊपर हम डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है। सिस्टम यूनिट जो होता है वो बॉक्स या केसिंग होती है जिसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर इंस्टॉल्ड। कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके जरिए कंप्यूटर जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जो लैन कार्ड है, मॉडेम है, इनके जरिए कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब थोड़ा सा तफसील के साथ इनको देखते हैं। आज का काम में हमने देखना है इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। इनपुट डिवाइसेस में जिनसे आप वाकिफ भी हैं वो है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, हैंडहेल्ड स्कैनर्स, फ्लैटबेड स्कैनर्स, क्यूआर कोड रीडर्स एंड डिजिटल स्कैनर्स। कीबोर्ड से आप सब वाकिफ हैं, कीबोर्ड के ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं लेटर्स यानी टेक्स्ट जो है वो इनपुट के तौर पे दे सकते हैं। इसके अलावा नंबर्स जो हैं इनपुट कर सकते हैं, और कैरेक्टर्स यानी ABCD या स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे फुल स्टॉप है, कॉमा है, हैश साइन है, या ऐड साइन है, या परसेंटेज साइन है, इन्हें हम बतौर इनपुट कंप्यूटर को दे सकते हैं। इस वजह से कीबोर्ड जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है।
माउस से भी आप वाकिफ ही हैं, माउस इज यूज्ड टू कंट्रोल पोजीशन ऑफ द कर्सर, कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करता है। एक काम इसका ये है कि कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करता है स्क्रीन पे। इसके अलावा हम इससे लेफ्ट या राइट क्लिक करके मुख्तलिफ कमांड्स जो हैं इसके जरिए दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स या आइकन्स पे हम क्लिक करके वो कमांड्स इसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंप्यूटर को। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है ये भी इनपुट डिवाइस है। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऑडियो डेटा जो है वो बतौर इनपुट सिस्टम को दे सकते हैं, यानी इट इज यूज्ड टू इनपुट डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो। नेक्स्ट थिंग है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इज यूज टू टेक फोटोज और वीडियोज एंड इनपुट इन टू द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के अंदर से स्टोर भी करवा सकते हैं डिजिटल कैमरा को साथ इसके साथ लगा के, इसलिए ये भी इनपुट डिवाइस है। इसके जरिए क्या हो सकता है, फोटोज और वीडियो हम बना सकते हैं और सिस्टम में डाल सकते हैं, इस वजह से ये भी इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो हैं इनसे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आप लोगों ने फिंगरप्रिंट वाले मोबाइल देखे हुए हैं। आजकल जदीद मोबाइल जो है उसमें फेस डिटेक्शन भी है, वॉइस रिकग्निशन भी है, तो वो डिवाइसेस जिनके जरिए किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करता है कोई सिस्टम, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट रीडर है, उसके जरिए फिंगर प्रिंट लेके वो किसी शख्स को आइडेंटिफाई करता है। फेस डिटेक्शन के जरिए मोबाइल को अनलॉक लॉक किया जा सकता है, वो भी एक बायोमेट्रिक डिवाइस है। आयरस यानी हमारी आंख की पुतली जो है, आंख में आयरस होता है और उसके जरिए भी पर्संस को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा वॉइस रिकग्निशन के जरिए भी पर्संस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिस्टम पे। नेक्स्ट थिंग है हैंड हेल्ड स्कैनर। इट कैप्चर्स इमेजेस, बार कोड्स एंड इवन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट वाइल मूविंग ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को कैप्चर कर सकते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर के जरिए। अब तो स्कैनर्स जो हैं वो आगे वैसे क्यूआर रीडर, क्यूआर कोड रीडर जो है या बार कोड रीडर जो है वो भी वैसे हैंड हेल्ड स्कैनर की ही एग्जाम्पल है। इसी में अलग से डिस्कस भी किया हुआ है। आपने देखा होगा जब आप कहीं आते जाते हैं तो अब तो हैंड हेल्ड स्कैनर के जरिए आपका टेम्परेचर भी नोट किया जा सकता है। फ्लैट बेड स्कैनर, इनमें एक फ्लैट ग्लास सरफेस होती है जिसके ऊपर बुक या कागज़ को रख के उसका इमेज जो है वो लिया जा सकता है और इससे फिर कंप्यूटर को बतौर इनपुट इमेज को दिया जा सकता है। क्यूआर कोड रीडर जो होता है ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन बार कोड में जो होती है उन्हें पढ़ता है और कंप्यूटर में एज इनपुट देता है। ये आपने आजकल जदीद स्टोर्स पर देखा होगा कि ऑब्जेक्ट को जो है वो क्यूआर कोड रीडर के सामने लाते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में चली जाती है और कंप्यूटर उसकी पूरी इनवॉइस खुद ही तैयार कर देता है। डिजिटल सेंसर्स जो हैं ये भी मोबाइल में लगे होते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब आप कान से सेलफोन को लगाते हैं तो सेंसर को पता चल जाता है उसके सामने कोई चीज़ आ गई है तो उसकी स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाती है, बाकी वो काम कर रहा होता है। कुछ सेंसर जो है वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, कुछ हीट को डिटेक्ट करते हैं, स्मोक को डिटेक्ट करते हैं, वॉइस को डिटेक्ट करते हैं और जो उन्हें हदायत दी हुई होती है उसके मुताबिक फिर वो काम करते हैं। आगे चलते हैं, आगे हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज द केस विच कंटेन्स ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर लाइक मदरबोर्ड, रैम, पावर सप्लाई, प्रोसेसर एक्सेट्रा। तो ये क्या करता है, एक केस है या एक डब्बा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जैसा कि मदरबोर्ड है, रैम है, पावर सप्लाई है, प्रोसेसर है। रैम क्या चीज है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें सीपीयू में डेटा जाने से पहले टेम्परेरीली स्टोर होता है क्योंकि हार्ड ड्राइव जो है वो खासी स्लो मेमोरी है, प्रोसेसर के साथ काम नहीं कर सकती, तो डेटा को पहले ही रैम में लाया जाता है प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसर डायरेक्ट रैम से डेटा लेता है, प्रोसेस करता है और वापस रैम को ही वापस करता है। अब जो कंप्यूटर्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी और स्पीड जो है वो रैम के साइज पे डिपेंड करती है। बहुत सारे प्रोग्राम हैं उनके लिए बड़ी रैम की जरूरत होती है। अगर रैम ज़्यादा हो तो जो सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटी और स्पीड पर फर्क पड़ता है।
मदरबोर्ड के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इट इज द मेन सर्किटरी बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, मेनी कंपोनेंट्स लाइक रैम सीपीयू आर इंस्टॉल्ड ऑन इट। एक बड़ा बोर्ड लगा होता है, चाहे आप सेलफोन ले लें, चाहे आप लैपटॉप लें, चाहे आप बड़ा आपका जो है टावर केसिंग में कंप्यूटर ले लें पर्सनल पीसी, तो उसमें एक बड़ा सर्किट बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। एक्चुअली प्रोसेसर भी मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होता है और रैम भी मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होती है। थोड़ी देर बाद हम उनकी पिक्चर्स देखते हैं, फिर डिटेल देखते हैं कि होता क्या है। सीपीयू जो है स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके भी दो हिस्से होते हैं, अर्थमेटिक यूनिट होता है और लॉजिक यूनिट होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, इसके अलावा इनपुट आउट ऑपरेशन, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन जो होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। ये आप देख सकते हैं कि केसिंग है आपके सामने पड़ी हुई, इसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट, इसमें सारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं। इसी में ये चीज़ जो है ये पावर सप्लाई है, यहाँ पे ये सीपीयू लगा है, सीपीयू के ऊपर ये कूलेंट फैन लगा हुआ है, और एक ये फैन लगा हुआ है ये सिस्टम को कूल करने के लिए है, ये हीट सिंक जो इसके ऊपर लगा हुआ है फैन के साथ प्रोसेसर के ऊपर जो प्रोसेसर को कूल रखता है, ये वीडियो कार्ड इंस्टॉल्ड है, इसमें मॉडम भी जो है लगा हुआ है, इंटरनल साउंड कार्ड भी बीच में अलहदा से लगा हुआ है। आजकल के मदरबोर्ड जो आ रहे हैं उनमें ये सारी चीज़ें वैसे बिल्ट इन लगी होती हैं मॉडेम के अलावा। आप देख सकते हैं कि हार्ड ड्राइव जो है वो इधर लगी हुई है, ये वाली हार्ड ड्राइव है आपके पास, तो इस हार्ड ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव जो है ये मदरबोर्ड पे नहीं होती, ये अलहदा से होती है, और सीडी रोम वगैरह भी अलहदा से लगे होते हैं, ये मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल नहीं होते, इन्हें केबल के जरिए मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करवाया जाता है। तो मदरबोर्ड जो है वो सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट करवाता है, रबता इसी के जरिए होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, तो ये है आपके पास स्लॉट रैम, रैम जो है ये इंस्टॉल होती है मदरबोर्ड के ऊपर, और ये आपके पास जो डायग्राम है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की है। ये सारे कनेक्टर्स जो हैं सॉकेट के ऊपर लग जाते हैं, ये इसका ऊपर का व्यू है, ये मदरबोर्ड के साथ अटैच होने का व्यू है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।